हेलो गाइस, तो अगर आपके भी ओएलएक्स के अंदर इनेबल टू कनेक्ट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको मैं रियल सॉल्यूशन दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने ओएलएक्स के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है कनेक्ट टू इनेबल वाली, इसको सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले तो आपको अपना जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है उसको यहाँ से ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से सबसे पहले इसको अगर अपडेट आया तो सबसे पहले आपको इसको अपडेट कर लेना, ठीक है। अपडेट करने के बाद दोस्तों सिंपल सा इसको यहाँ से ओपन कर लेना। दोस्तों यहाँ से फर्स्ट बार इसको यहाँ से ओपन करना होता, ठीक है। फर्स्ट बार ओपन करने के बाद दोस्तों क्या आता है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिर आपको यहाँ से आपको साइन अप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ऊपर से एक ऐड आएगी, इस ऐड को यहाँ से क्लोज कर लेंगे और उसके बाद आपको कोई भी गूगल अकाउंट या फ़ोन नंबर से इसके अंदर साइन अप कर लेना, ठीक है। चलिए मैं आपके सामने अपने फ़ोन नंबर से इसको अलाउ कर, मतलब कि फ़ोन नंबर से इसको लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। फिर आपको यहाँ अपने नंबर को यहाँ से डाल देना। नंबर डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। जैसे हम नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करते हैं दोस्तों, इसके अंदर आपको OTP फिल करना होगा, ठीक है। जिस नंबर को आपको डाला है उस पर आपको इस OTP आएगा। सिंपल सा OTP को यहाँ से फिल कर देंगे। OTP फिल करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार से मिलेगा, तो आपका अपना नाम डाल लेना है। चलिए यहाँ से अपना नाम डाल लेना, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ से पीछे से शोर आएगा, इसको यहाँ से आप मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मेरा पीछे से काफ़ी ज़्यादा शोर आ रहा है, ठीक है। फिर आपको यहाँ से सेट लोकेशन पर क्लिक कर लेना, अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो यूज़ टू करेंट लोकेशन पर क्लिक कर लेना और फिर आपको अलाउ कर लेना है और यहाँ से जो लोकेशन है उसको आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको दोस्तों यहाँ से किसी भी हम प्रोडक्ट पर यहाँ से क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं होता। सिंपल से मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर लेता हूँ। तो इस पर जैसे ही क्लिक करता हूँ कुछ इस प्रकार से आपके पास नेक्स्ट इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको देखते कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों यहाँ से सिंपल से मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। एक कोई भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ से जैसे क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ से मैक ऑफर पर जैसे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको कंटिन्यू ऑफर पर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ से मैं इसको क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो इनेबल टू कनेक्ट वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो दोस्तों यहाँ से देख सकते हो इसके लिए आपको बैक आ जाना, ठीक है। तो यहाँ से बैक आने वाली प्रॉब्लम आ रही है तो किसी का भी जो प्रोडक्ट है वो बाय नहीं हो रहा है। फिर आपको यहाँ से चैट्स पर क्लिक कर लेना है। चैट्स पर जैसे क्लिक करते हैं थोड़ा सा इसके अंदर वेट करते हैं दोस्तों, ऊपर से लोडिंग चैट हो रहा है तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम आ चुकी है दोस्तों। इसके अंदर फिर से हम वही इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सिंपल से अपने फ़ोन का सेटिंग को ओपन कर लेना है। फ़ोन के सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ से सिंपल से आपको नीचे जाना है और यहाँ से आपको ऐप्स को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ऐप्स को सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना होगा और यहाँ से आपको मैनेज ऐप पर क्लिक कर लेना है। और इस पर मैनेज ऐप पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपल से आपको सर्च बार में OLX यहाँ से सर्च कर लेना, ठीक है। OLX मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ और यहाँ से आपको सर्च करने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा इसके अंदर वेट करना होगा ताकि ये हमारा जो ऐप है वो मिल जाए। तो सिंपल से आपको यहाँ से OLX यहाँ से सर्च कर लेना है। तो OLX यहाँ से सर्च करने के बाद दोस्तों सिंपल से नीचे से आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्लियर ऑल डाटा का, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा करना है, ठीक है। क्लियर ऑल डाटा करने के बाद दोस्तों आपको फिर से इसको यहाँ से ओपन करना होगा। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है इसके अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद फिर भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो सॉल्व होता है तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये OLX इंडिया जो कंपनी है उसके अंदर से कुछ प्रॉब्लम चल रही है उस कंपनी के अंदर, तब भी जाकर ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ तो आपको क्लियर ऑल डाटा करने के बाद फिर भी ये सॉल्व नहीं होता है तो आपको थोड़ी देर इंतज़ार करना है, 2-3 घंटे तक। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।